दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो पुफ्फा वग्गा 51 नंबर जो सूक्त है उसमें धम्मपदा में से उसका नाम है चत्तपानी वत्तु। एक उपासक थे, उनका नाम था चत्तपानी और वो अनागामी थे और वो बुद्ध के पास हमेशा जाया करते थे। एक बार जब वहाँ थे तब वहाँ पे राजा पसेंदी आए बुद्ध से मिलने के लिए। तब चत्तपानी खड़े नहीं हुए क्योंकि उनको लग रहा था कि बुद्ध का अपमान होगा अगर मैं राजा के सामने खड़े हो जाऊँगा। राजा पसेंदी को ये चीज़ बुरा लगा और उन्होंने बुद्ध को कहने जा रहे थे, उतने में बुद्ध ने उनका मन समझा और बुद्ध ने चत्तपानी के बारे में बताया कि ये तो अनागामी है और ये काफ़ी धम्म के बारे में जानते हैं। तब राजा वापस दोबारा गए इधर विहार में। तब उन्होंने चत्तपानी को पूछा कि आप हमारे दो बीवियां हैं, उनको आप समझाएंगे धम्म? तब चत्तपानी ने ये कहा कि आप बुद्ध को ही कहिए, वो कोई भिक्खु को वहाँ पे निर्देश दे देंगे जो आपके बीवियों को सिखा देंगे धम्म। तो बुद्ध ने आनंद को महल में जा करके इनके दो बीवियों को सिखाने के लिए कहा। तब थोड़े देर पश्चात बुद्ध ने आनंद को पूछा कि दोनों बीवियाँ, दोनों महारानियाँ कैसे, उनका धम्म के उपदेश कैसे चल रहा है? तब आनंद ने कहा कि जो पटरानी, जो रानी है वसक्का भत्तिया, वो नहीं समझ पा रहे, उनका उतना कुछ ये नहीं, लेकिन मल्लिका जो रानी है वो काफ़ी प्रगति कर चुकी है। तब बुद्ध ने ये उपदेश दिया पाली में, यतापि रुचिरम पुफ्फम वन्नवंतम अगंधकम एवं सुभाषित वाचा अफला होती अकुबतो, जिसका मतलब है जैसे एक बहुत सुंदर पुष्प रहता है पर जिसमें कोई गंध नहीं रहता, वो कोई भी जो पहनता है उसको कोई मज़ा नहीं आता उसके, क्योंकि उसके पास गंध नहीं है, वैसे ही बुद्ध वचन जो है वो उनको नहीं छू सकता या उनको नहीं समझ पाते जो धम्म क्रिया में नहीं लाते, जो प्रैक्टिकल में नहीं लाते। दूसरा उन्होंने कहा, यतापि रुचिरम पुफ्फम वनवंतम सुगंधकम एवं सुभाषित वाचा सफला होती कुबत्तो, यानी जैसे जो फूल है जो बहुत अच्छा है, खूबसूरत है और जिसका गंध भी बहुत अच्छा है, वो जो पहनने वाला है उसको बहुत बढ़िया लगता है वो पहनने के लिए, वैसे ही बुद्ध वचन जो है अगर आप उसको आचरण में लाए तभी उसका फायदा होता है। तो जब हम ये सुनते हैं बुद्ध वचन तब हमें समझ में आता कि हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत छोटी है और हम धम्म को समझ नहीं पाए और हमारे ज़िंदगी में उतार नहीं पाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वचन तो बहुत अच्छा है, बहुत लोगों को लाभ होता है उससे, लेकिन अगर हमने उसको उतारा नहीं अपने अंदर, आचरण में नहीं लाया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।